हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो वी विल स्टडी अबाउट वेरियस सीजन्स। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है सीजन्स, द सीजन्स। तो इसमें हम ऑल फाइव टाइप्स ऑफ सीजन के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि इन वेरियस सीजन्स में वेरियस टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स कौन कौन से सेलिब्रेट करते हैं, हम किस तरह से अपने आप को वेदर के क्लाइमेटिक चेंजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपकी EVS की बुक का लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है द सीजन्स। इस चैप्टर में हम वेदर और सीजन को डिफाइन करना सीखेंगे और हम वेरियस सीजन्स जैसे कि समर, विंटर, मॉनसून, ऑटनम एंड स्प्रिंग, इन सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। After that, a warm-up exercise have been given to you. Two pictures are given here. One is of AC and one is of sweater. You have to state which thing you can use in summer and which thing you can use in winter. So, we use an AC in a summer season, whereas we use sweaters in winter seasons. Next, coming to the next topic, weather. सो वेदर इज अ कंडीशन ऑफ अ डे। वेदर जो है वो एक दिन की कंडीशन होती है। एक दिन सनी हो सकता है, क्लाउडी हो सकता है, विंडी हो सकता है, और सिमिलरली ये जो वेदर की जो कंडीशन है ये डे टू डे चेंज होती है या आवर टू आवर भी चेंज होती है। ओके हम ये देख सकते हैं कि किसी दिन पे सुबह के समय पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है और वेरेस दिन होते होते बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो ये वेदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर डे की कंडीशन होती है। नेक्स्ट, अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमोसफियर। द चेंज इन द कंडीशन ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड वेदर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जितने भी चेंजेस आते हैं दैट इज़ कॉल्ड वेदर। यानी हमारी जो अर्थ है वो एक लेयर ऑफ एयर से सराउंडेड है, हमारी अर्थ के आसपास एक एयर की परत है। ठीक है, उस परत में जब भी चेंजेस आते हैं उसकी वजह से जो है जो चेंजेस आते हैं क्लाउडी होता है या विंडी होता है वो कहलाता है वेदर। नाउ सीजन्स, जब वेदर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कुछ महीनों के लिए सेम रहती है देन इट इज़ कॉल्ड अ सीजन। व्हेन द वेदर रिमेन्स द सेम फॉर अ फ्यू मंथ वी कॉल इट अ सीजन। ऑल सीजन्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वेदर। ईच सीजन कम्स वंस अ ईयर। हर सीजन साल में एक ही बार आता है। जैसे कि हम समर है वो एक ही बार आती है, विंटर सीजन जो अभी सीजन चल रहा है हमारा वो भी एक ही बार आता है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो पूरे साल भर में 5 सीजन आते हैं, समर सीजन, मॉनसून सीजन, ऑटनम सीजन, विंटर सीजन एंड स्प्रिंग सीजन। यू एन्जॉय योर समर हॉलीडेज ड्यूरिंग द समर सीजन एंड विंटर हॉलीडेज इन विंटर सीजन। जब ज़्यादा ठंड हो जाती है जब भी हमारे विंटर वैकेशन हो जाती है, जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब हमारी समर वैकेशन हो जाती है। ओके, नाउ वी विल रीड दिस अबाउट दीज वेरियस सीजन्स इन डिटेल। अब हम इन सीजन्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। समर सीजन, व्हेन द वेदर इज़ टू हॉट एंड द सन शाइन्स ब्राइटली इट इज़ समर सीजन। जब बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और सूरज बहुत ज़्यादा ब्राइटली शाइन करता है, धूप पड़ती है, तो ये समर सीजन होता है। समर सीजन जो है वो अप्रैल टू जून चलता है। इस सीजन में लोग अधिकतर इंडोर्स रहते हैं, फैन, कूलर, एयर कंडीशनर यूज़ करते हैं कूल रहने के लिए। इंडोर्स यानी घर के अंदर। सन ग्लासेस, शॉर्ट्स, टी शर्ट्स एंड हैट्स आर कॉमनली वॉर्न ड्यूरिंग दिस टाइम। इस टाइम पे इस तरह के कपड़े पहने जाते हैं। वी ऑल्सो यूज अम्ब्रेलास टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम सन रेज। सन की रेज बहुत तीखी रहती हैं, हमें धूप बहुत ज़्यादा चिढ़ती है, तो हम अम्ब्रेलास का भी यूज़ करते हैं इस सीजन में। द समर, इन समर पीपल लाइक टू हैव मैंगोज, वाटरमेलन्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड आइसक्रीम्स। समर सीजन में इस तरह के फ्रूट्स खाना लोग पसंद करते हैं। इस सीजन में दो मेजर फेस्टिवल्स आते हैं जिनका नाम है, बिगनिंग ऑफ द समर में आता है बैसाखी एंड बिहू। ठीक है, बोथ ऑफ दीज फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन अप्रैल
दे आर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, इनको हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कहा जाता है। बैसाखी इज मेनली सेलिब्रेटेड इन पंजाब वाइल बिहू इज सेलिब्रेटेड इन आसाम। बैसाखी पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है और बिहू आसाम में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज मॉनसून सीजन। मॉनसून सीजन या रेनी सीजन, ऐसा सीजन जब बरसात पड़ती है, तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और गर्मी का सीज़न ख़त्म होता है, वैसे ही बारिश का सीज़न स्टार्ट होता है, इसे मॉनसून सीज़न कहा जाता है। इस सीज़न में सभी कुछ बहुत ज़्यादा फ्रेश ग्रीन दिखने लगता है। जो सन की रेज़ की वजह से जो प्लांट्स मुरझा गए जाते हैं वो बिल्कुल फ्रेश एंड ग्रीन हो जाते हैं, और जो रेन है वो सारी डस्ट और धूल वगैरह जितनी भी जम जाती है उनको वॉश कर देती है। इट लास्ट फ्रॉम जुलाई एंड जुलाई टू अगस्त, ये सीज़न जुलाई टू अगस्त चलता है। इसमें जो सन की जो स्कॉर्चिंग हीट ऑफ सन से हमें गर्मी में दिक्कत होती है, उससे हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। इस सीज़न में लोग रेनकोट्स, गम बूट्स पहनते हैं और अम्ब्रेलास कैरी करते हैं, ताकि वो अपने आप को सन की रेज से प्रोटेक्ट कर सकें। रेन वाटर जो है वो रिवर्स में फिल अप हो जाता है, लेक्स में, पॉन्ड्स में, वाटर वेल्स में, है ना, इन सभी जगह पे ये पानी जो है वो फिल अप हो जाता है, जो कि फर्दर हमें अदर सीजन्स में यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग अगस्त एंड सितंबर पीपल सेलिब्रेट ओनम विद जॉय इन केरला। इस सीज़न के फेस्टिवल का नाम क्या है? ओनम है। कमिंग टू द नेक्स्ट सीजन, दैट इज़ ऑटनम। ऑटनम सीजन इज अ शॉर्ट सीजन दैट कम्स आफ्टर मॉनसून। ऑटनम एक बहुत ही शॉर्ट सीजन है जो मॉनसून के बाद आता है। इट लास्ट टिल अक्टूबर, ये सिर्फ अक्टूबर तक ही चलता है, और इस सीजन में द ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस सीजन। दिस वेदर इज नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। फेस्टिवल्स सच एज दिवाली एंड छठ आर सेलिब्रेटेड इन ड्यूरिंग दिस सीजन। इस सीजन के फेस्टिवल्स कौन कौन से हो गए? दिवाली एंड छठ। नाउ द नेक्स्ट सीजन इज विंटर सीजन। विंटर सीजन जो रहता है वो कोल्ड का सीजन रहता है। ड्यूरिंग दीज डेज इट इज़ वेरी कोल्ड, कोल्ड विंड्स ब्लो ड्यूरिंग दिस सीजन। विंटर सीजन बिगिंस फ्रॉम नवंबर एंड लास्ट टिल जनवरी। नवंबर से जनवरी के बीच में ये रहता है। इस सीज़न में हम वुलन क्लोथ्स वेयर करते हैं, स्वेटर्स है, जैकेट्स हैं, ये सब चीज़ें वेयर करते हैं ताकि हम वार्म रह सकें। इट स्नोज एट सम प्लेसेस सच एज माउंटेंस। माउंटेंस वगैरह में यहाँ पे स्नोफॉल्स भी होती हैं। वी लाइक टू ईट हॉट एंड स्टीमी फूड ड्यूरिंग दिस टाइम। इस समय पे हमें गरम गरम धुआं निकलता हुआ खाना खाना बहुत पसंद आता है। टू ऑफ द पॉपुलर फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड इन विंटर आर लोहरी एंड पोंगल। क्रिसमस इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग विंटर्स। विंटर में क्रिसमस भी सेलिब्रेट होता है। लोहरी, पोंगल एंड क्रिसमस आर द सीजन विच आर सेलिब्रेटेड और फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग दिस सीजन। नेक्स्ट सीजन इज स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन मार्क द एंड ऑफ द कोल्ड विंटर। स्प्रिंग सीजन जो है वो कोल्ड ठंड का जो है वो एंड करता है, और ये सीज़न जो है फेबररी टू मार्च चलता है। ये भी शॉर्ट सीज़न है, है ना, और इट इज़ नाइदर टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड। फ्लावर्स ब्लूम एंड लीव्स स्प्राउट। इस सीज़न में फ्लावर्स खिलते हैं और लीव्स उगती हैं। द प्लांट्स एंड द ट्रीज लुक ब्यूटिफुल ड्यूरिंग दिस टाइम। वी सेलिब्रेट होली ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर। तो इस सीज़न में हम होली सेलिब्रेट करते हैं। तो अभी हमने इस चैप्टर में सारे सीजन्स पढ़े, वेदर पढ़ा, सीजन्स कौन कौन से होते हैं, सारे सीजन्स के बारे में पढ़ा हम लोगों ने, और ये भी देखा कि हर सीज़न में अपना एक पर्टिकुलर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। सो इन टूडेज चैप्टर वी स्टडीड अबाउट द सीजन्स। वी स्टडीड ऑल द फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन वेरियस सीजन्स, एंड वी ऑल्सो स्टडीड दैट हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम वेदर चेंजेस।